हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको टॉप 4 ऐसे स्मार्टफोन बताने वाला हूँ जिनमें आपको किसी फीचर में कंप्रोमाइज़ करना नहीं पड़ेगा। लाइक आपको सुपर एमोलेड तक की डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, आपको टॉप नॉच लेवल का एकदम नेक्स्ट लेवल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा, पावरफुल चिपसेट देखने को मिल जाएगा जिसकी वजह से आप हैवी गेमिंग कर सकते हैं, साथ ही आपको बैटरी चार्जिंग अच्छी देखने को मिल जाएगी। और ये स्मार्टफोन आपको जो है 25,000 के प्राइस रेंज में देखने को मिल जाएंगे अमेजन और फ्लिपकार्ट दोनों प्लेटफॉर्म पर। अगर आपका बजट 25,000 के आसपास है तो दोस्तों आप ये वीडियो विदाउट स्किप किए पूरा देख लेना। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लेना, वीडियो अपने दोस्तों में शेयर कर देना। दोस्तों इस लिस्ट का फर्स्ट स्मार्टफोन रहता है रियलमी की तरफ से 10 Pro Plus। दोस्तों 25,000 के अराउंड इस स्मार्टफोन के प्राइस देखने को मिलेंगे अमेजन और फ्लिपकार्ट दोनों प्लेटफॉर्म पर। इस स्मार्टफोन की प्रीमियम डिज़ाइन देखने को मिलेगी, साथ ही आपको काफ़ी अच्छे टॉप नॉच लेवल के एडवांस फीचर देखने को मिलेंगे जो कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहले बात करें डिस्प्ले के बारे में तो AMOLED 6.7 इंच की डिस्प्ले देखने को मिलेगी, 1,000,000,000 कलर्स की सपोर्ट है, HDR10+ की सपोर्ट भी देखने को मिलेगी, साथ ही 120Hz का रिफ्रेश रेट है। नो डाउट डिस्प्ले एकदम प्रीमियम एंड फ्लैगशिप है। साथ ही इसमें आपको चिपसेट देखने को मिलेगा ऑक्टाकोर मीडियाटेक डायमेंसिटी 1080 6 नैनोमीटर के साथ आता है, एंड्रॉइड वर्जन 13 पर बेस्ड है एंड रियलमी UI 4.0 पर रन करता है। इस स्मार्टफोन के अंदर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, 6GB प्लस 128GB की बेस वेरिएंट से आता है। रियर कैमरे से आप 4K में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं मैक्सिमम। फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा, साथ ही स्टीरियो स्पीकर्स दिए गए हैं। इसमें आपको 5000mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, 67W का वायर्ड फास्ट चार्जर देखने को मिलेगा, 5,22,376 अंतुतु स्कोर जाता है। बिल्ड क्वालिटी भी स्मार्टफोन की काफ़ी अच्छी है। दोस्तों इसमें आपको कर्व डिस्प्ले के साथ काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी दी गई है, प्लास्टिक का बेक है, प्लास्टिक की फ्रेम है एंड ग्लास की प्रोटेक्शन डिस्प्ले के अंदर है। 173 ग्राम का वेट है और 8mm की थिकनेस है। बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट, कॉम्पैक्ट और स्लिम है। रियलमी 10 प्रो प्लस को डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट स्मार्टफोन के बारे में जो कि रहता है मोटोरोला की तरफ से S30, जो कि ये स्मार्टफोन बहुत ही ज़्यादा स्लिम है मेरे हिसाब से। दोस्तों ये स्मार्टफोन बहुत ही ज़्यादा पतला है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारे फीचर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसमें आपको AMOLED 6.5 इंच का पैनल देखने को मिलेगा डिस्प्ले के अंदर, 1,000,000,000 कलर्स की सपोर्ट है, 144Hz का रिफ्रेश रेट है, HDR10+ की सपोर्ट भी देखने को मिलेगी। डिस्प्ले के अंदर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन दी गई है, ऑक्टाकोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G प्लस 5G प्रोसेसर देखने को मिलेगा जो कि 6 नैनोमीटर के साथ आता है। अपग्रेडेबल एंड्रॉइड 13 है, 6GB प्लस 128GB के बेस वेरिएंट से आता है। रियर पार्ट में ट्रिपल कैमरा सेटअप है, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ लेंस, 4K/30fps में मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं फ्रंट कैमरे से। साथ ही आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर देखने को मिलेगा, 4K/30fps में आप फ्रंट से भी मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। स्टीरियो स्पीकर्स दिए गए हैं, साथ ही USB Type-C 2.2 है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आता है, 4020mAh की बैटरी है, 33W का वायर्ड फास्ट चार्जर है। इसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्लिमेस्ट एंड बेस्ट प्रीमियम डिज़ाइन वाला स्मार्टफोन है। बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें तो वाटर रेपेलेंट डिज़ाइन देखने को मिलेगा जिसकी वजह से थोड़ा बहुत पानी मोबाइल फ़ोन के ऊपर चला जाए कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बेस्ट बैक आपको प्लास्टिक की, फ्रेम आपको प्लास्टिक का देखने को मिलेगा, साथ ही 155 ग्राम का वेट है, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है और 6.8mm की थिकनेस है ओनली। ओके, डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट स्मार्टफोन के बारे में जो कि रहता है Xiaomi की तरफ से POCO X5 Pro। दोस्तों ये एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन है। इस स्मार्टफोन को अगर आप परचेस करेंगे तो आपको किसी भी फीचर में कंप्रोमाइज़ करना नहीं पड़ेगा, सारे फीचर एकदम नेक्स्ट लेवल हैं। AMOLED 6.67 इंच का पैनल देखने को मिलेगा फ्रंट में डिस्प्ले के अंदर, 1,000,000,000 कलर्स की सपोर्ट है, 120Hz का रिफ्रेश रेट है, डॉल्बी विजन, HDR10+ की सपोर्ट, डिस्प्ले के अंदर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन, ऑक्टाकोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G 5G प्रोसेसर देखने को मिलेगा, 6 नैनोमीटर के साथ आता है, एंड्रॉइड वर्जन 12 पर बेस्ड है, MIUI 14 पर रन करेगा जो कि पोको की तरफ से ये यूजर इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। 6GB प्लस 128GB के बेस वेरिएंट से आता है, UFS 2.2 टाइप की स्टोरेज है, रियर पार्ट में ट्रिपल कैमरा सेटअप है, 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, 4K/30fps में आप मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं रियर कैमरे से। फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है, स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं, 3.5mm का जैक भी है, साथ ही OTG सपोर्ट करता है, साइड माउंटेन फिंगरप्रिंट सेंसर है, सिक्योरिटी भी काफ़ी अच्छी है,
5000mAh की बैटरी देखने को मिलती है, 67W का वाइड फास्ट चार्जर देखने को मिलता है। इसमें आपको तीन कलर्स देखने को मिलते हैं। साथ ही अंतुतु स्कोर करता है 531398, जो कि काफ़ी अच्छा स्कोर है। बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें तो दोस्तों, इस स्मार्टफोन के अंदर आपको बैक फ्रेम दोनों प्लास्टिक के देखने को मिलेंगे। 181g का वेट है और 7.9mm की थिकनेस है। मोबाइल फोन काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम डिज़ाइन के साथ आता है। साथ ही आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप जो रियर में है वो आपको काफ़ी ज़्यादा यूनिक देखने को मिलेगा। 3-4 कलर स्कीम में डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं अगर आपका बजट 22,000 के आसपास है, तो क्योंकि ये स्मार्टफोन आपको 22,000 का देखने को मिल जाएगा अमेजन और फ्लिपकार्ट दोनों प्लेटफॉर्म पर। अब बात करते हैं इस लिस्ट के फोर्थ एंड लास्ट स्मार्टफोन के बारे में, जो कि ये भी रहता है अगेन शाओमी की तरफ से, रेडमी K50i। ये रिसेंटली लॉन्च हुआ है, फीचर लोडेड स्मार्टफोन है। सारे फीचर मैं आपको स्टेप बाई स्टेप बता देने वाला हूँ। दोस्तों, इसमें आपको डबल FS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगी 6.6 इंचेस की। 144Hz का रिफ्रेश रेट है। HDR10 की आपको सपोर्ट देखने को मिलेगी। डॉल्बी विजन देखने को मिल जाएगा। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन दी गई है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। नो डाउट डिस्प्ले फ्लैगशिप है। ऑक्टा कोर मीडियाटेक डायमेंसिटी वाला 8100 आपको 5G प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि 5nm के साथ आता है। अपग्रेडेबल एंड्रॉइड 13 है, MIUI 14 पर रन करेगा। काफ़ी ज़्यादा आपको नीट एंड क्लीन यूजर इंटरफेस देखने को मिल जाएगा इस स्मार्टफोन का। 6GB प्लस 128GB के बेस वेरिएंट से आता है। UFS 3.1 टाइप की स्टोरेज। रियर पार्ट में ट्रिपल कैमरा सेटअप है। 64MP का प्राइमरी कैमरा, 8MP का अल्ट्रा, 2MP का मैक्रो। 4K/30fps में आप मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। फ्रंट में 16MP का सेल्फी कैमरा है। स्टीरियो स्पीकर्स के साथ 3.5mm का जैक भी दिया है, जिसकी वजह से आप ईयरफोन इजीली यूज़ कर सकते हैं। ब्लूटूथ वर्जन 5.3 OTG सपोर्ट करता है। साइड माउंटेन फिंगरप्रिंट है। सिक्योरिटी भी काफ़ी अच्छी है। साथ ही 5080mAh की बैटरी है। 67W का वायर्ड फास्ट चार्जर है। दोस्तों, इस स्मार्टफोन के अंदर आपको 3 या 4 कलर ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। प्रीमियम डिजाइन के साथ आपको 3 कलर ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें तो दोस्तों, इस स्मार्टफोन के अंदर आपको 200g का वेट देखने को मिलता है और 8.9mm की थिकनेस देखने को मिलती है। रेडमी K50i 5G को भी कंसिडर कर सकते हैं। बेटर वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। आपके प्राइस बजट में अगर आता है तो इसको भी आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, चारों स्मार्टफोन अपनी ब्रांड वैल्यू के हिसाब से, फीचर्स के हिसाब से, प्राइस पॉइंट पर वैल्यू फॉर मनी है। आप अपनी नीड या फिर प्रायोरिटी के हिसाब से कोई सा परचेज कर सकते हैं, बिकॉज डिफरेंट प्राइस हैं एंड डिफरेंट आपको कंपनी देखने को मिल रही है एंड साथ ही डिफरेंट फीचर आपको चारों स्मार्टफोनों के अंदर दिए गए हैं। तो दोस्तों, आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग कोई सा भी परचेज कर सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर देना। आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लेना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो कैसी ही न्यू इंटरेस्टिंग और अपडेटेड वीडियो में। दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।